Hello everyone, we are taking one more example and we will try to convert this grammar to the Chomsky normal form. So ये जो क्वेश्चन है वो AKTU के एग्जाम में 2022-23 में पूछा गया है और हमें इस ग्रामर को कन्वर्ट करना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि CNF में कन्वर्ट करना है। तो CNF में कन्वर्जन के लिए अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ KLP मिश्रा ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इट इज मेंशन दैट हमें ग्रामर को अगर सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करते समय हमें केवल ये इंश्योर करना है कि हमारे ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं हो और कोई भी नल प्रोडक्शन नहीं हो। इसका इंटरप्रिटेशन हम ये भी निकाल सकते हैं कि अगर कोई नॉन जनरेटिंग या नॉन रीचेबल सिंबल है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमें केवल ध्यान इन दोनों की तरफ देना है कि यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो जो ग्रामर हमारा गिवन है इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है और कोई नल प्रोडक्शन भी नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से सिंबल्स नॉन रीचेबल है, अगर हम इस तरफ ध्यान दें तो सिंबल सारे के सारे रीचेबल हैं, लेकिन नॉन जनरेटिंग अगर आप चेक करेंगे तो सी और डी आपको मिलेंगे जो कि नॉन जनरेटिंग है। तो चूंकि हमें इसको ध्यान नहीं देना है तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको अवॉइड करते हैं और इसके बाद बचे हुए जो प्रोडक्शन हमारे पास है उसको हम कन्वर्ट करते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास प्रोडक्शन गिवन है हम उनकी लिस्टिंग कर लेते हैं सेपरेटली, क्योंकि हम सेपरेट करेंगे तो इससे हमारा कन्वर्जन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सो ए बी डी और एस प्रोड्यूसेस ए सी, सिमिलरली कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल ए, देन बी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी, देन बी प्रोड्यूसेस ए बी, देन सी प्रोड्यूसेस ए सी ए, एंड देन सी प्रोड्यूसेस ए डी, डी प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड डी, एंड डी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड सी। तो इन प्रोडक्शंस में आप देख सकते हैं कि जो टर्मिनल सिंबल्स हैं वो केवल स्मॉल ए और स्मॉल बी है। तो हम सबसे पहले दो नए प्रोडक्शंस इसमें ऐड कर देते हैं, सी ए प्रोड्यूसेस ए और सी बी प्रोड्यूसेस बी, और ये दोनों चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होंगे। इसके बाद हम इसको पिक कर रहे हैं, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला सिंबल ए ही रहने देते हैं और लेट्स से हम एक सी वन लेते हैं जो बी और डी को प्रोड्यूस करेगा। तो नाउ सी वन प्रोड्यूसेस बी एंड डी, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये वाला प्रोडक्शन। एस प्रोड्यूसेस ए सी, ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए और कैपिटल ए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए की जगह हमने सी ए लिख दिया और कैपिटल ए ऐसे हमने रहने दिया। फिर हमने ये वाला प्रोडक्शन पिक किया, इसमें ए प्रोड्यूसेस बी ए और स्मॉल ए है तो इसको हम साइमल्टेनियसली नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो बी को हम ले लेते हैं और नेक्स्ट बचे हुए सिंबल को हम सी टू में ले लेते हैं। सो नाउ सी टू प्रोड्यूसेस कैपिटल ए और चूंकि स्मॉल ए नहीं हो सकता हमारे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तो हमने इसको सी ए लिख दिया। नेक्स्ट ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए, ऑलरेडी हमारे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। देन बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी ए, सो बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकता तो स्मॉल बी को हम कह देते हैं सी बी, और बाकी का जो बचा हुआ जो सिंबल्स है लेट्स से वी से दैट दिस इज सी थ्री। नाउ लेट्स से सी थ्री प्रोड्यूसेस स्मॉल बी एंड कैपिटल ए, तो इसको हम कह सकते हैं सी बी एंड कैपिटल ए। देन इसको हम कन्वर्ट करते हैं, दिस इज बी प्रोड्यूसेस ए मीन्स सी ए, बी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बी प्रोड्यूसेस ए बी ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, सी प्रोड्यूसेस ए सी ए तीन सिंबल से नहीं हो सकते इसलिए हम क्या करते हैं कि स्मॉल ए को जनरेट करा देते हैं सी ए से, बाकी बचे हुए पार्ट को हम सी फोर मान लेते हैं, एंड देन हम कह देते हैं कि सी फोर प्रोड्यूसेस सी एंड फॉलोड बाई सी ए, क्योंकि ये सी स्मॉल ए है इसको हमने सी ए से रिप्लेस कर दिया। देन वी हैव सी प्रोड्यूसेस ए डी, तो सी प्रोड्यूसेस ए मतलब सी ए एंड डी, देन हमारे पास डी प्रोड्यूसेस ए डी है सो डी प्रोड्यूसेस सी ए एंड डी, एंड लास्ट हमारा प्रोडक्शन है डी प्रोड्यूसेस बी एंड सी, इसको हम कह सकते हैं सी बी एंड सी।
सो दीज आर द प्रोडक्शंस ऑफ द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। आइए इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So these are the 18 symbols productions in the Chomsky normal form. So I hope you must have understood this. This question was asked in the AKTU 2022-23 examination. And what we have picked it from here, that according to the KLP Mishra book, unit production and null productions are to be removed. अगर कोई non-reachable या non-generating symbol है तो हम उसको ignore करेंगे और अपने grammar में उसको रखेंगे, उसको हम eliminate नहीं करेंगे. Thanks for watching this video.